जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी की जय। ठीक है, आज वीडियो जो आपकी है, आज वीडियो हम बना रहे हैं आपकी सिंह राशि के ऊपर, जिसके स्वामी जो होते हैं, जिसके लॉर्ड जो होते हैं, सूर्य देव होते हैं, नारायण होते हैं, सूर्य भगवान हमारे। ठीक है, यानी सूर्य जो आपके पिता के कारक होते हैं, सूर्य जो आपका अपने आप में तेज होते हैं, आपका सम्मान होते हैं, आपके ऐसे समझ सकते हैं ग्रहों के राजा होते हैं। ठीक है, चलिए। और जो आज हमारी वीडियो है आज हमारी मंगल के ऊपर, जो मंगल आपके आ गए हैं कहाँ पर, मिथुन राशि में आ गए हैं। ठीक है, मिथुन राशि में आने का मतलब क्या है उनका, उसे समझने की कोशिश करते हैं, और मंगल क्या है इसको बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए। और सबसे पहले हम आपसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बहुत लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है और वो अपना अभी तक बेल का बटन नहीं दबाया है, इससे क्या होता है, जो हम वीडियो बनाते हैं वो आप लोगों के पास नहीं पहुंच पाती है, YouTube भी उसे आगे नहीं भेज पाता है। ठीक है, तो हमारा आपसे निवेदन है, तो कृपया प्लीज़ जिन लोगों ने बटन नहीं दबाया है वो बटन दबा दें, उससे क्या होता है, जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो सीधी आप तक पहुंच जाती है, तो उससे नोटिफिकेशन आप लोगों को चला जाता है, वो अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए। तो मंगल की बात कर लेते हैं, मंगल क्या है, मंगल आपका ऐसे समझ सकते हैं, मंगल आपकी पावर है, और मंगल से आप उत्साह को भी देखते हैं, जो आपका उत्साह होता है, और मंगल आपके सेनापति भी होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, जीवन में अगर हर चीज़ आपकी मंगल मंगल हो जाए तो आदमी का आप समझ सकते हैं, उसका फिर हर चीज़ में आगे ही आगे निकलते हैं वो, और तरक्की उसकी कोई नहीं रोक सकता उस व्यक्ति की, जिसके जीवन में मंगल मंगल हो जाए। चलिए, तो अब हमारे जीवन में मंगल कैसे होगा, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं, पहले मंगल कहाँ पर विराजमान है, आपकी मिथुन राशि में विराजमान है, मिथुन राशि जिसके स्वामी होते हैं जो बुध होते हैं। ठीक है, और कहाँ पर विराजमान है, आपके लाभ और आपकी इच्छाओं में और आपकी आय में विराजमान है। ठीक है, तो मंगल क्या है, मंगल यहाँ आपको पूर्ण रूप से फ़ायदा करेंगे, ये बात आप समझ लें, और बुध की वजह से आपको इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा, ये भी आप समझ लें। ठीक है, चलिए। तो मंगल को आपकी तीन दृष्टियाँ दी गई हैं, तीन दृष्टियों से जो आप फ़ायदा ले सकते हैं उसे हम बताने की कोशिश करते हैं, और तीन दृष्टि आपकी, पहली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है, एक चतुर्दृष्टि दी गई है, एक सातवीं दृष्टि गई है, एक आठवीं दृष्टि दी गई है। ठीक है, वैसे सभी को आपकी सातवीं दृष्टि सबको प्रदान होती है, इन्हें एक चौथी दृष्टि भी दी है और ये भी दृष्टि दी है। ठीक है, चलिए, तो बात कर लेते हैं पहली जो दृष्टि है इनकी कहाँ पर पड़ रही है। पहली दृष्टि जो आपकी पड़ रही है, आपकी सीधे यहाँ पर पड़ रही है। ठीक है, ऐसे समझ लें, एक दो तीन चार। ठीक है, जो पहली दृष्टि पड़ रही है आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है, और द्वितीय भाव किसका होता है, द्वितीय भाव आपका धन का होता है और आपके कुटुंब का होता है। ठीक है, यानी धनेश। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। और यहाँ जो राशि विराजमान है, यहाँ राशि कौन सी विराजमान है, यहाँ भी राशि आपकी कन्या राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। तो यहाँ भी आपको बुध का आपको साथ मिलेगा, बुध आप समझ सकते हैं, बुध क्या होते हैं, बुध आपका व्यापार होते हैं, बुध आपकी बुद्धि होते हैं, बुध आपकी वाणी होते हैं, और बुध ग्रह होकर राजकुमार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको इस रूप से फ़ायदा मिलेगा, कहीं ना कहीं धन की हमें आगमन होगा, धन का संचय होगा, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, और इसका कहीं ना कहीं हमें पूर्ण रूप से फ़ायदा प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं उनकी अगली दृष्टि की, अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है। अगली दृष्टि जो हमारी पड़ रही है, अगली दृष्टि पड़ रही है हमारे पंचम हाउस पर। ठीक है, पंचम हाउस किसका होता है, पंचम हाउस आपके संतान का होता है, आपकी बुद्धि का होता है और आपके भाग्य का होता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सी राशि विराजमान है, यहाँ पर धनु राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं गुरु, और गुरु से हम क्या देखते हैं, गुरु से हम संतान को देखते हैं और गुरु से हम धन को भी देखते हैं। ठीक है, और गुरु जो भी हमारे उसमें बैठे हुए हैं, गुरु अभी हमारे उसमें मान लीजिए आप अभी 2025 तक विराजमान रहेंगे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो गुरु का हमें पूर्ण रूप से साथ मिलता रहेगा, इसे आप ऐसे समझो। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर दृष्टि पड़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दृष्टि पड़ने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी संतान के संबंधित जो भी काम है वो हमें पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा, संतान से भाग्य से हमें पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप इसे ऐसे समझें, और हमारे बुद्धि में भी कहीं ना कहीं संचार होगा, बुद्धि में भी विकास होगा। क्यों होगा, हनुमान जी आपने देखा बुद्धि का भी मतलब सही करने का कार्य करते हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं,
तो हनुमान जी की वजह से, मंगल की वजह से, आप मंगल को हम हनुमान जी के रूप दे रहे हैं इस हिसाब से देखें तो आप, ठीक है ना, प्लेनेट हैं भले ही, तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इनकी अगली दृष्टि की। अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि पड़ रही है आपके छठे भाव पर। और छठा भाव किसका होता है? छठा भाव आपके रोग का होता है, ऋण का होता है और आपके शत्रुओं का होता है। रोग, ऋण, शत्रु। रोग का मतलब, रोग कहाँ से लगते हैं? शरीर में जब कोई दिक्कत आती है, कब आती है? रोग की वजह से आती है, ठीक है। और यहाँ राशि कौन सी विराजमान है? यहाँ राशि विराजमान आपकी मकर है। मकर यानी शनिदेव, जिसके स्वामी होते हैं। और शनि क्या है? शनि आपके न्याय के और कर्म के देवता है, आप ऐसे मान सकते हैं। और न्याय और कर्म का मतलब क्या हुआ? जो आप मेहनत करोगे उस हिसाब से काम आपको मिलेगा, उस हिसाब से आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप, मंगल आपके दृष्टि पड़ रही है और अगर आप मेहनत करते रहेंगे, क्योंकि सेनापति आपके साथ है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं आपको शरीर में और बल में भी, आपको आपके शरीर में भी कहीं ना कहीं बल प्रदान करेंगे, कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करेंगे, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ आप मंगल की वजह से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने चाहिए, जो हमें लगता है, ठीक है। रही आपकी शत्रुओं की बात, शत्रु आप पे इसलिए हावी नहीं होने का, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल जब विराजमान है, मंगल की जब दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल सेनापति हैं। जब सेनापति हैं तो हम नहीं मानते कि मंगल के होते हुए कोई आपके ऊपर हावी हो सकता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके ऋणों की, आपके लोन की। तो ऋणों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऋणों के लिए आपको कहीं ना कहीं योजना बनानी पड़ेगी। अगर आप योजना बनाएंगे तो योजना से कहीं ना कहीं फ़ायदा ले लेंगे। क्यों ले लेंगे वो आप समझिए, क्योंकि मंगल से क्या है, मंगल से हम ज़मीन को भी देखते हैं, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। जितने भी प्रॉपर्टीज़ काम होते हैं, है ना, ज़मीन के काम होते हैं, उनसे मंगल को भी देखते हैं। और जो आपका चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव में जो राशि विराजमान है, वो राशि कौन सी विराजमान है? और राशि विराजमान आपकी वृश्चिक है, ठीक है। और ये भाव किसका होता है? ये हमारे इन्वेस्टमेंट का भी भाव होता है, आप इसे ऐसे समझें। हमारी जितनी सुख सुविधाएँ होती हैं, भौतिक सुविधाएँ होती हैं, जितनी विलासताएँ होती हैं, वो सब हमें यहीं से प्राप्त होती हैं। तो अगर यहाँ मंगल विराजमान है और मंगल आपके लिए इस समय ठीक रहेंगे, आप इसे ऐसे समझें, तो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टमेंट या ज़मीन की खरीद फरोख्त जरूर कर सकते हैं, उम्मीद है होगा, आप इसे ऐसे समझें। तो कहीं ना कहीं इससे ज़मीन से आप पूर्ण रूप से फ़ायदा ले सकते हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप फ़ायदा उठाएंगे, इसका फ़ायदा उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका फ़ायदा उठाने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना, हनुमान चालीसा का आप निरंतर पाठ करते रहें। हम हर वीडियो में आपको बताते हैं कि हनुमान चालीसा का प्लीज़ आप पाठ करें, ठीक है। और मंगल के मंगल अगर आप हनुमान जी का प्रसाद चढ़ा सकते हैं, 5 लड्डू या जो भी भोग आप पूर्ण रूप से अपना मन से इच्छा से चढ़ा सकते हैं, वो कोशिश करें, कहीं ना कहीं इसका पूर्ण रूप से आपको फ़ायदा प्राप्त होगा, इसे आप ऐसे समझ लें, ठीक है। तो ये अगर आप जीवन में अपना मंगल ही मंगल चाहते हैं, तो इसके लिए जो हमने आपको उपाय छोटा सा एक बताया है मंगल को खुश करने का, ठीक है, इसे करते रहें, इससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में अलग ही आपका मंगल होगा, आप इसे ऐसे समझें, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स हमने लिख दिए हैं, हम बता नहीं पाए आपको शुरू में, फिर बता देते हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है ना। बुध अभी 4 सितंबर से 23 सितंबर तक आपके कर्क राशि में रहेंगे, मंगल 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे, सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक अपना आ जाएंगे आपका, ठीक है। और सूर्य फिर आपके आगे बढ़ जाएंगे, सूर्य 16 सितंबर से कन्या राशि में आ जाएंगे, शुक्र अभी आपके नीच के चल रहे हैं, ठीक है, 18 सितंबर तक रहेंगे, उसके बाद अपना उसमें अपनी अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे, खुद की राशि में यहाँ पर आ जाएंगे, उचके हो जाएंगे, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और आपका 17 तारीख को, 17 सितंबर को पितृ पक्ष भी अपना शुरू हो जाएगा, तो पितृ पक्ष का भी आप ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपने कोई देखा या नहीं देखा, भगवान देखे या नहीं देखे, लेकिन अपने अपने माँ बाप, अपने पूर्वज, आपने सबने देखे हैं, तो उन्हें ही आप अगर भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान दर्जा समझना भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं पितृ खुश होते हैं, तो आपके जीवन में खुशियाँ और मंगल अपने आप ही होता चला जाता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और फिर हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, अगर बटन नहीं दबाया आपने, प्रेस नहीं कराया बटन बेल का, तो प्लीज़ उसे बटन को दबा दें, ठीक है, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद।